नमस्कार, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों के लिए छठ पर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और पूरे देश और विदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हम सभी मिलके बेतिया के जितने भी छठ घाट हैं उसके बारे में दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले सन घाट पर पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे पंडाल को सजाया गया है। यहाँ छठ पूजा सैकड़ों बरस से यहाँ होता है, लगभग तो 2083 से तो हम देख रहे हैं। कितने संख्या में लोग हर साल आते हैं? संख्या कम से कम 20,000। हाँ, 20,000 के दर्शक मिलाकर 40 से 50 हो जाता है। ग्राउंड में खड़ा होने का तो 20,000 लोग रहते हैं, लेकिन अगर देखने की बात करें तो कम से कम लोग यहाँ पे 50,000 की संख्या में आते हैं। और ये हमारा जो छठ स्थल है पूरे चंपारण में प्रसिद्ध है। आपको चंपारण की बात करें तो ये है, बिहार के स्तर पर लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए। कई लोग, हम लोगों को पिछले बार क्या हुआ ना सर, कि राजस्थान से कुछ लोग चंडीगढ़ से आए हुए थे, वहाँ से कह रहे हैं कि सर हम आपका छठ घाट देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, और वहाँ करके वहाँ से हम लोग को आगे यहाँ सहयोग कर। अगर व्यवस्था करना हो तो पूरे दिल से करते हैं, एक श्रद्धा के साथ। और हमारे ये गार्जियन हुए श्री साहेब लाल जी, और इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग ये सारा व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। और हम लोग बस ये मान लेते हैं कि ये जो छठ पूजा एक तो हमारी श्रद्धा की चीज़ें हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा महापर्व है, बट इसको फिर से हम लोग अगर दिखाने की व्यू से अगर बात की जाए, लोगों के सामने अगर लोगों की व्यवस्था करने की बात की जाए, तो अपने हम लोग दिलो जान लगा देते हैं। बस हमारे गार्जियन है जो हमें लीड करते हैं हमेशा। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि लकी ड्रॉ सिस्टम भी है जो हर साल होता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कैसे क्या है। हम लोगों ने, हमारे पूजा समिति ने एक इनामी कूपन अर्थात लकी ड्रॉ कूपन का आयोजन हम हर साल करते हैं, हमारी समिति करती है। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक कूपन है हमारा 20 रुपये का, हम वो सहयोग राशि स्वरूप उनसे लेते हैं, और हमने इनाम भी रखा है। ऐसा नहीं कि हम सहयोग राशि ले रहे हैं, इनाम भी रखा हमने इसका। कल सुबह क्या होगा, लकी ड्रॉ होगा, आपको लगभग 7-8 बजे करीब में हम लोग लकी ड्रॉ करेंगे, और इसमें लगभग 71 इनाम है, ठीक है ना। इसमें आपका फर्स्ट जो आपका प्राइज हमने रखा है, क्या कि LED टीवी रखा है 42 इंच का, फ्रिज रखा है हमने, वॉशिंग मशीन रखा है, ऐसे ऐसे आपको इनाम से यहाँ हम लोग क्या करेंगे उनको देते हैं, जो लकी विजेता होते हैं। अब उनका कल ड्रॉ हम लोग करेंगे, और एक एक करके बहुत ही आपको कहिए ना निष्पक्ष तरीका से हम लोग उसका ड्रॉ करते हैं, और सबके सामने पारदर्शी तरह के तरीका से ड्रॉ होता है, और जब इनाम मिलता है हम लोग यहीं पर हाथों हाथ उन्हें दर्शक लोग का लॉटरी की टिकट जो है, दर्शक लोग के मांग पर इस तरह से व्यवस्था किया जाता है, चंदा स्वरूप भी हो जाता है, लोगों को मिलना जुलना भी ही हो जाता है। जो हमारे एरिया से अलग लोग आते हैं तो हम लोग सहयोग राशि के एवज में हम लोग लॉटरी टिकट देते हैं कि उनका इसमें पार्टिसिपेट हो जाए। हम लोग अपने जो घाट का जो भी लोग है लोग उसी से हम लोग चंदा लेते हैं, जो मैंने हम लोग घाट से अलग है उसको लॉटरी ड्रॉ में हम लोग शामिल कर लेते हैं। बस क्योंकि तो ये लॉटरी सिस्टम एक तो है कि जिन पर आशीर्वाद माता रानी का पड़ गया उनको तो इनाम मिलता है, और बाकी हम लोगों क्या होता है सहयोग मिल जाता है उनसे, हम लोग किसी ना किसी माध्यम से उनको हम अपने साथ जोड़ लेते हैं, एक माध्यम है लॉटरी सिस्टम, ताकि वो भी आए तो कहे कि हाँ हम गए थे लॉटरी सिस्टम हमने कटाया और हमने यहाँ उनको सहयोग किया, बस ये चीज़ें। हाँ, और अच्छा उनको भी लगता है कि व्यवस्था जो उसमें हमारा सहयोग है, इनडायरेक्ट रूप से करे या इनडायरेक्ट रूप से करे, वो हमारे साथ हमें सहयोग कर रहे हैं, और यही सब सारा चीज़ हम लोग हर एक बार करते हैं। और बहुत खुशी होता है जब आकर के बाहर बाहर से लोग आते हैं और तारीफ़ करते हैं, और एक तो हमारी श्रद्धा की चीज़ है, हम लोग पूरे दिलो जान से इसको लग जाते हैं। पिछले लगभग सबसे बड़ा जी हमारे बिहार के लिए तो भाई ये पर्व तो बहुत बड़ा पर्व है, और हम लोग आज भी है कि जो भी अगर छठ का सॉन्ग और बजे गीत बजे उसमें भी बेसिकली कि श्रद्धा सिन्हा का आँख में आंसू आ जाता है, चाहे वो छठ हो, चाहे छठ के पहले की बात हो या बाद की बात हो, हम लोग तो आत्मीयता तौर से इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और यही है कि हम लोग इतना अच्छा से हर एक बार हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग ऐसे ही हम लोग पिछले, मतलब ये जो आपको तैयारियां है ना, आपको पिछले एक महीना से हम लोग लगे हुए हैं सारे के सारे लोग, ठीक है ना। कहाँ से सारी चीज़ व्यवस्था होगी, बस एक हमारे गार्जियन रहते हैं हमारे साथ, और बाकी हम लोग लग जाते हैं सेना की तरह। हाँ, बाकी बढ़िया सारा चीज़ हो जाता है। लमसम कितना एस्टिमेट का खर्चा आ जाता होगा ये सारे व्यवस्था करने में? बजट आप कहिए कि लगभग 10 लाख के करीब का बजट है हमारा, इतने खर्च हो जाते हैं। और लेकिन वही है कि एक गार्जियन का होना और फिर से लोगों का सहयोग होना, तो कभी हम लोग को उतना भाई कभी लगा नहीं कि कोई दिक्कत है, लेकिन हल्का फुल्का होता है तो हमारे गार्जियन हमारे साथ रहते हैं तो डर नहीं रहता है कि चलो कर किया जाएगा। और जहाँ पर भी जब बात आती है सजावट की, तो यहाँ हमारे समिति में हमारे माले हमारे गार्जियन ये हुए
डायरेक्ट कहते हैं कि बेटा तुमको जो चाहिए सजाने के लिए वो मंगा लो, जितना होगा होगा, नहीं तो हम लोग हैं। और बाकी इसीलिए हम लोग बढ़ चढ़ के काम करते हैं, इसमें अच्छा लगता है।